अमृतसर के मोदी खाने का विरोध करने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर की भेदभरे हालातों के मौत हो जाने का समाचार प्राप्त होया। इस संबंधी सूचना मिलदिया ही मौके पर पुजी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर गुरप्रीत वालों तेरा नाम की एक समाजिक संस्था भी खोली गई थी, जिस विच उन्होंने कहा कि वह लोगों की मदद करेगी, पर अचानक ही उसकी भेदभरी हालातों के मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देंदे पुलिस अधिकारी राजविंदर कौर ने दसा कि गुरप्रीत एक क्लीनिक चलाउंदी सी। वह पिछले 7 साल डिप्रैशन दे विच सी, उसका इलाज भी चल रहा सी। परिवार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों तो काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रैशन दे विच सी। उसने क्लीनिक विच भी दवाई खाधी सी, जिस तों बाद अचानक ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने दसा कि फिलहाल लाश को कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट आने तों बाद ही मौत दे असली कारण का पता चल सकेगा। पिछले कुछ टाइम तो एलर्जी क्लासेस से जा रहा था, तो मैं मेरे घर ही फोन आया कि यह गल हो गई है, तो छेती आ मैं आया तो उन्होंने हॉस्पिटल लैके आया। की लगते थे मेरी मम्मा नहीं तो कोई सुसाइड नोट भी कह जा रहा है मिले से की मिले मैं नहीं इस गल का पता। तो किन्हें इनफॉर्म किया? मेरे दादू ने। कोई झग निकलती पी सी मूँह चो किस तरह कोई रिली चीज़ खाधी या कोई होर गल हुई? पता ही नहीं सर मैंने किस गल का। मैं उस टाइम इन्नी पसंद थी कि मैं यो कि हॉस्पिटल लैके आना, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। तुम करो आप लैके आए जो मेडिसिन खाधी गई अपने कोई भी लागे नहीं है। वो क्लीनिक में बैठे थे 7 साल तो ऑलरेडी वो डिप्रैशन में रेंदे सी, उन्होंने जो इलाज चल रहा है डॉक्टर कक्कड़ को चलता सीगा। उन्होंने ब्रदर ने दसिया मैं, उन्होंने असी पर्चियां भी लै लिया ने, तो किसी वजह करके वो उन्होंने जोड़ा कि वो ज़्यादा कुछ दिनों तो डिप्रैशन में काफ़ी रहन लग गए थे। तो हूँ उन्होंने ब्रदर के कहने मुताबिक यह है कि पता नहीं उन्होंने मेडिसिन ज़्यादा लै ली जां कोई गलत मेडिसिन लै ली है जिद नाल डैथ हो गई है। बाकी असं पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम में आ जाएगा कि कोई मेडिसिन उन्होंने जी वो डैथ हुई। मैडम डिप्रैशन किस चीज़ का? डिप्रैशन वैसे ही घरेलू कोई डिप्रैशन कोई जोड़ा है कोई मैरिड अनमैरिड लड़की सी वो डिप्रैशन रही तो उ दस सकती सी ना डिप्रैशन की डॉक्टर की फाइल तो पता लगेगा ये बारे मैं नहीं कुछ कह सकता। गुरप्रीत गुरप्रीत क्लीनिक चलाते थे तो क्लीनिक में ही उन्होंने जी मेडिसिन ली। मैम सुसाइड नोट कहते मिले अलग? नहीं कोई सुसाइड नोट नहीं मिले, सिर्फ उन्होंने दो लाइन लिखी कि मैं अपनी जिंदगी तो जा रही हूँ, सिर तो अब कुछ नहीं लिखा। पर मैडम क्या जा रहा है कि कोई दुकान का झगड़ा सीगा कि दुकान खाली करा? बिल्कुल नहीं, इस विषय से कोई गल नहीं हुई कभी भी नहीं, ना कभी साढ़े कोई कंप्लेंट आई है ना कभी इस संबंधी उन्होंने गल की है। बस उन्होंने जो असी पोस्टमार्टम करवावे जो साड़ी ड्यूटी बनती है वो असी करवा। मैम आस पास के जो लोग ने भी कहते भी कोई डिप्रैशन वाली कोई गल नहीं, क्योंकि काफ़ी मीडिया वाले भी उत्थे जाते ही काफ़ी बार इंटरव्यू की उन्होंने, जो डिप्रैशन हो कोई इस तरह की गल नहीं सुर्खियां रेंदे अपनी फेसबुक आईडी उत्ते भी काफ़ी सुर्खियां रेंदे। देखो हर एक बंदे नूं प्रॉब्लम आउंदियां ने जांदियां ने, ये मैडिकली प्रॉब्लम है, ये बारे मैं दस नहीं सकती कोई कि उन्होंने डिप्रैशन सी कि नहीं, कदों डिप्रैशन हुंदा कदों नहीं हुंदा। जिहड़ा बंदा ट्रीटमेंट लैंदा हुण उहदे ब्रदर मुताबक उहदी डोज भी वधी सी ट्रीटमेंट की, जो ट्रीटमेंट करते सी महीने दो महीने तो वो थोड़ा ज़्यादा चल रहा सी इन्हां ट्रीटमेंट। डिप्रैशन इट मीन जी कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम होएगी? कुछ कह रहे हैं जी कि उन्होंने जरा बेटा अडॉप्ट किया आइल्स करके बाहर भेजना सी ते नहीं सी जा सके, उहदे नाम की भी प्रॉब्लम सी? नहीं नहीं नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं, वेखो जो उन्होंने घर की कोई प्रॉब्लम है डिप्रैशन तो डिप्रैशन ही है ना, वो तो पहला तो चल रहा है, हो सकता है भी परेशानी हो पर डिप्रैशन दवाई ज्यादा खाधी के जान बुझ के? देखो यह गल जी है पोस्टमार्टम दसेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दसेगी कि कहड़ी मेडिसिन जी उन्होंने डैथ हुई है, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਖਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖਾਧੀ ਗਈ? ਖਵਾਈ ਗਈ ਖਾਧੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਥ ਦਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਕੋਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਵਾਉਣਾ ਸਰਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।